हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने कानून लाया जिसमें यूनैनिमसली हिमाचल प्रदेश की असेंबली ने उसको पास किया। वो कानून ये है कि अगर किसी को अपना मजहब तब्दील करना है तो उसको एक महीने की नोटिस देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। आप बताइए कि बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान बनाया और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार एक यूनैनिमस असेंबली में कानून बनाती है कि अगर किसी को अपना मजहब तब्दील करना है तो एक महीने की नोटिस देना पड़ेगा, वन मंथ नोटिस। अगर कोई मजहबी, चाहे वो मौलाना हो या पादरी हो, अगर वो भी कर रहे हैं तो उनको भी एक महीने की नोटिस देना पड़ेगा। अरे भाई, मजहब मैं तब्दील करना चाह रहा हूं, आपको इसकी तकलीफ क्यों हो रही है? जब हमारे मुल्क में होमोसेक्सुअलिटी और लेस्बियनिज्म डिक्रिमिनलाइज हो चुका है, एडल्ट्री डिक्रिमिनलाइज हो चुकी है, प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट बन चुका है, तो बीजेपी इस तरह का कानून कैसे बना सकती है? और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस इस बिल की ताईद की वहां पर। अब बताइए आप, ये जो बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में किया है, ये एक एक्सपेरिमेंट है। जो याद रखिए, कल ताज्जुब मत करिए जब नरेंद्र मोदी की सरकार इस तरह का बिल पार्लियामेंट में लेकर आएगी। ये काम होगा, इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। मैं मजहब तब्दील करूं ना करूं, किस मजहब पर चलूं, किस खुदा को मानूं या नहीं मानूं खुदा को, ये आपका मसला नहीं है, ये सरकार का मसला नहीं है। हां, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है कि अगर कोई पैसे देकर, लालच देकर करता है तो आप उसको करिए, आईपीसी में कानून मौजूद है। मगर कानून पास करना इसका मतलब क्या है मेरे भाई? जमहूरियत को अगर आप कमजोर करेंगे, जो बीजेपी कर रही है, तो याद रखिए ये मुखालिफत किए, हर बिल की मुखालिफत किए। जब बिल पास होने के स्टेज पर आता तो हम खड़े होकर डिवीजन का मुतालिबा करते, और जब डिवीजन होता तो बीजेपी के लोग, शिवसेना के लोग हम पर ताना मारते, अरे भाई तुम लोग दो हो, तुम लोग क्या कर लोगे, हमारे पास इतने 350 या 370 जो भी है, तुम नहीं जीत पाओगे। तो मैं उनसे कहता कि यकीनन तुम्हारे पास तादाद है, तुम्हारे पास ताकत है, मगर तादाद और ताकत सच्चाई नहीं बन सकती, सच्चाई मेरे पास है। अगर तुम्हारे पास ताकत और तादाद है तो मेरे पास संविधान की रूह है, जो तुम संविधान को तोड़ कर, मरोड़ कर, उसकी रूह को कुचल कर तुम कानून बना रहे हो, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम आज भी कहें और कल भी, मैं कहा है पार्लियामेंट में कि कल जब ये मुल्क अगर फासिस्ट मुल्क हो जाएगा तो 50 साल के बाद जब मौरख तारीख लिखेगा, जब हिस्टोरियन हिस्ट्री लिखेगा, तो यकीनन अपने कलम से लिखेगा कि हां, जिस वक्त इस मुल्क को फासिस्ट मुल्क बनाने की कोशिश की जा रही थी, तो उस वक्त उस पार्लियामेंट में दो दीवाने थे जो उठकर हिंदुस्तान के, भारत के लोगों को वान कर रहे थे कि देखो मुल्क फासिस्ट बन रहा है। तो कम से कम तारीख, हिस्ट्री जब लिखी जाएगी तो मुझे और इम्तियाज जलील के बारे में नहीं लिख सकती कि हमने इस मुल्क को फासिज्म और फासिस्ट बनने से नहीं रोका। हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे और करते रहेंगे, हमारी जिम्मेदारी जो हम करेंगे। क्योंकि जब संविधान बनाने वाला बाबा साहेब अंबेडकर ने उस संविधान में लिखा, उसके प्रियाम्बल में लिखा, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रटर्निटी, जस्टिस, ये ख्वाब है जिसको हमको हासिल करना है। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, महाराष्ट्र की सियासत में ये जो पॉलिटिकल स्पेस है, इस पॉलिटिकल स्पेस को हमको ऑक्यूपाई करना है, इसीलिए हम इलेक्शन लड़ते हैं। लोग मुझसे आकर बोलते हैं कि तुम हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर इलेक्शन लड़ते हो, तुम नहीं जीत पाते,
मैं उनसे कहता हूं कि जीत और हार इसका फैसला मैं नहीं करता, ये तो अल्लाह ऊपर वाला करता है। मेरे बस में जो है वो लड़ना है, मेरे बस में है जो जिद्दोजहद करना है, मेरे बस में है कि तुम्हारे दरमियान में जाकर अपनी तकरीर के जरिए तुम्हारे दिल को रागिब करने की कोशिश करूं, क्योंकि फिर दिलों का मोड़ने वाला मेरे तकरीर के अल्फाज नहीं, वो अल्लाह है, वो मैं जानता हूं। मगर मुझ में जो अल्लाह ने जो कुछ भी चीज दी है, मेरा काम यह है कि उसको इस्तेमाल करना। जब तक जिंदा रहेंगे लड़ते रहेंगे, कामयाबी नाकामी वो मेरा काम नहीं है, मेरे जिम्मे है कि जिद्दोजहद करना, लड़ना, जमहूरियत को इस्तेमाल करना। और ये जमहूरियत का मुतालबा है, अगर सब लोग जाकर मोदी के गोद में बैठ जाएंगे तो फिर उनको हम साथी नहीं बोलेंगे बल्कि तबलचियों का एक अड्डा बन जाएगा। और मैं तबलचियों के अड्डे पे नहीं बैठ सकता, मैं जिस जगह पर हूं मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास बीजेपी और कांग्रेस के लीडरों की तरह दौलत नहीं है, ना उनके तमाम कारनामे जो इरिगेशन का स्कैम है माशाल्लाह वो हमारे पास नहीं है ना कभी रहेगा। मगर हमारी फकीरी में शाही है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो इज्जत दी है वो मैंने अपनी जिंदगी में मैंने भी नहीं सोचा था। और मैं इम्तियाज जलील से भी बार बार इस बात का जिक्र करता हूं कि इम्तियाज जलील कोई सियासी खानदान से नहीं है, इम्तियाज जलील बरसों जर्नलिस्ट थे, इम्तियाज जलील बरसों हमारे सहाफी दोस्तों की तरह बैठकर जर्नलिज्म का काम करते थे। मगर इम्तियाज जलील ने मजलिस के इस पैगाम को समझा और मजलिस ने कहा था कि ख्वाब देखना शुरू करो, तो इम्तियाज जलील ने 2014 में कहा कि सद साहब मेरा ख्वाब है कि मैं एमएलए बनूं। मैंने कहा यह तुम्हारा ख्वाब है या तुम्हारा ख्वाब औरंगाबाद की आवाम की तरक्की है? तो कहा कि मेरा ख्वाब यही है कि औरंगाबाद की एक अच्छी आवाज महाराष्ट्र की विधानसभा में जाए। मैंने कहा इम्तियाज जलील साहब आप अपनी सहाफी जिंदगी को छोड़ रहे हैं? तो कहा कि अब मैं तैयार हूं कुर्बानी देने के लिए। उन्होंने ख्वाब देखा, अल्लाह ने उनके ख्वाब को पूरा किया। फिर जब पार्लियामेंट का इलेक्शन आया तो इम्तियाज जलील औरंगाबाद के 28 बल्दिया के कॉरपोरेटर्स को लेकर हैदराबाद दारू सलाम आए और तमाम ने एक आवाज में कहा कि सऊदीन ओवैसी साहब हमको औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट लड़ना है। मैंने कहा क्यों? तो सब ने कहा कि साहब हमारा ख्वाब है कि औरंगाबाद से शिवसेना को किसी ने नहीं हराया, हमारा ख्वाब है कि औरंगाबाद का एक ऐसा एमपी बने जो तमाम औरंगाबाद के लोगों की। इन्होंने कहा कि हमारा ख्वाब है कि औरंगाबाद का एक ऐसा एमपी हो जो हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात ना करे, दिलों को जोड़ने की बात करे। मैंने कहा बिस्मिल्लाह लड़ो इलेक्शन। आपने देखा कि इनका ख्वाब अल्लाह ने पूरा किया। तो पूना की आवाम यहां पर जो हमारे मजलिस के मेरे रुखा हैं, जो मारा गया पीलू खान को क्यों मारा गया, अलीमुद्दीन अंसारी को क्यों मारा गया, यहां पर मोहसिन शेख को क्यों मारा गया, बताओ क्यों इतने सब वाकयात होते हैं, इतनी ज्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि मारने वालों को मालूम कि हम ये जुर्म कर सकते हैं, ये जुल्म कर सकते हैं, और उनको ये मालूम कि इख्तदार की कुर्सियों पर बैठने वाले मजलूमों से इंसाफ नहीं करेंगे, जालिमों से इंसाफ करेंगे। इसलिए ये शैतानी कुव्वतों के हिम्मत और हौसले बढ़ चुके हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसे पुराशुभ दौर में हमको ना सिर्फ हमारी जमहूरियत को बचाना है, हमारे संविधान को बचाना है और इन मजलूमों की आवाज बनना, चाहे वो किसी मजहब का क्यों ना। इतनी नफरत बीजेपी और शिवसेना ने पूरे भारत में फैला दी है कि मैं आपको एक मिसाल देता हूं। दिल्ली में एक बच्चा है जिसका नाम साहिल है, किसी महल्ले से गुजर रहा है, एक 22-23 साल का लड़का है। इतना उस उम्र में हर कोई अपने आप को बहस कभी हो जाती है तो इसी तरह साहिल के दोस्तों की किसी एक दूसरे महल्ले की गली के लोगों से बहस हो गई। बहस बढ़ते बढ़ते मारम तोड़ी पे बात आ गई, मारपीट हुआ, साहिल को खूब मारा गया और जब वो लहूलहान हुआ
और दौड़कर अपने घर को पहुंचा तो उसकी मां ने उसको देखकर कहा कि मेरे बेटे मेरे लाल क्या हुआ ये। तो किसी ने कहा कि अम्मा, साहिल ने कहा कि मुझे मारा गया। अम्मा ने पूछा कि वजह क्या थी, तो साहिल ने कहा कि मारने वालों ने समझा कि मैं मुसलमान हूं। और उसके थोड़ी देर के बाद साहिल ने अपनी मां की गोद में अपना दम तोड़ दिया। ये नफरत। और आप बोलते हैं कि कुछ नहीं है, भारत में सब चंगा है, सब अच्छा है, वाशिंगटन में जा, अमेरिका में जाकर हाउडी मोदी में मोदी साहब बोलते हैं कि एवरीथिंग इज गुड। व्हाट इज गुड? व्हाट हैव यू डन टू दिस ग्रेट कंट्री? आई से क्या हो गया हमारे मुल्क में? आपके पार्टी का एमपी मोदी जी अलीमुद्दीन अंसारी को मारने वाले खातिल को कोर्ट कन्विक्ट करती है, हाई कोर्ट से बेल होती है, तो फूल का हार लेकर उनका इस्तकबाल करता है। क्या हर खातिल का आप इस्तकबाल करते हैं? क्या हो रहा है इस मुल्क में बताओ आप? लोग हमेशा मुझ पर इल्जाम लगाते कि मैं भड़काऊ भाषण देता हूं। मैं भड़काऊ भाषण नहीं देता हूं। ये पूना में मेरी चौथी या पांचवी तकरीर है और ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि मुझे पूना की पुलिस से शिकायत है कि आपने मुझे लव लेटर नहीं दिया इस मर्तबा। देना चाहिए था, आपका आशिक आया है। आई लव यू, यू लव मी, ये लव अफेयर चलना चाहिए। ये अनपार्लियामेंट्री नहीं है, ना ये इलेक्शन कोड का वायलेशन है। आपका हमारा एक मोहब्बत का रिश्ता है, कायम रहना चाहिए। अल्लाह करे कि ये मोहब्बत और परवान चढ़े। आमीन बोलिए। मेरे भाई, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि ये हालात हो चुके हैं कि हमारे मुल्क में बीजेपी बोलती टेररिज्म पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर क्यों बीजेपी ने पंजाब के एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर बैन सिंह को रजोना ने मारा, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को कत्ल किया। आज बीजेपी रजोना को उसका कैपिटल पनिशमेंट खत्म कर देती है। क्यों किया आपने? इसलिए किया क्योंकि मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे सिख भाइयों को कि हमारे सिख भाइयों के पास वो पॉलिटिकल पावर है कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल पावर के जरिए रजोना के कैपिटल पनिशमेंट को खत्म करवा दिया, जिसने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को मारा। जब याकूब मेमन को फांसी पर चढ़ाने की बात हो रही थी, यही मेरा झगड़ा था कि तुम्हारे डिस्क्रिशनरी पावर्स तुम सेलेक्टिवली इस्तेमाल करते हो और सारे मीडिया के लोगों ने मुझे एंटी नेशनल बना दिया। 6 बजे से रात में 9 बजे तक, कई दिनों तक, कई हफ्तों तक हमारा निकाह कराया आपने, शादी कराई रोज टीवी पर। मेरा मकसद क्या था? मेरा मकसद यह था कि जब टेररिज्म की लड़ाई होगी, उसके खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए, टेररिज्म को खत्म करना चाहिए, कुचल देना चाहिए, फर्मली खत्म करना चाहिए। मगर ये क्या बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर जो है, आप रजोना के लिए इस्तेमाल करते हैं? सबके लिए करो ना फिर। चलो, नवंबर के महीने में मीलाद का मौका आ रहा है, रब्बिल अव्वल का महीना आ रहा है, आखा की आमद का महीना है, तो क्या आप हिंदुस्तान के जेलों में जो मुसलमान जेलों में छोड़ेंगे उनको आप? ये मेरा झगड़ा है। इंसाफ की जब बात होती है तो बोलते हैं, देखो ये भड़काऊ भाषण कर दिया। बताओ जितने लोग यहां बैठे हैं, क्या आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं या भड़काऊ भाषण है? बोलो मेरे भाई, ये सच है या झूठ कह रहा हूं मैं तुमसे? मुझे मालूम है कि जो मीडिया के बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उनको अभी से सर में दर्द शुरू हो गया होगा, मगर मुझे तुम्हारे सर में दर्द की फिक्र नहीं है। मैं इंसाफ की बात कर रहा हूं। जब रजोना ने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को
मर्डर किया, टेररिस्ट है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक है, तो डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल तुमने वहां पर क्यों किया? यहां पर भी कर देते। अच्छा चलो, क्या तुम 11 रबी अव्वल के दिन जो मुंबई ब्लास्ट में एक औरत जिसकी मारुति उसके, तुम छोड़ोगे उसको? क्या तुम छोड़ोगे उसको? नहीं छोड़ेंगे। अच्छा किसको करेंगे? आप देखो, टिकट किसको दिया बीजेपी ने? मेरे भाई, इससे बड़ी तौहीन महाराष्ट्र के पुलिस फोर्स की नहीं हो सकती। जिस मोहतरमा ने इलेक्शन के दौरान पोलिंग से पहले कहा कि मैंने हेमंत करकरे की मौत इसलिए हुई क्योंकि मैंने उसको शराब दिया, बदवा दी, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जिस शख्स ने, वो पाकिस्तान से आए हुए शयातीन, वो जालिम, वो टेररिस्ट जो मुंबई की सड़कों पर इंसानियत का कत्लेआम कर रहे थे, हमारे भारत की सरजमीन को भारत के वासियों से खून से लाल कर रहे थे, और वो अजीम मुजाहिद हेमंत करकरे ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, उसको बीजेपी ने टिकट दिया, उसको कामयाब भी किया। अब आप बताइए, जिसने कहा कि गोडसे को मैं मानती हूं, कोई कुछ नहीं बोले मोदी जी? अब तक आपके पार्टी में बैठी है मोहतरमा वो, जिसने करकरे के बारे में कहा, गोडसे के बारे में कहा, और हमारी एक एक बात का माइक्रोस्कोप लगाकर, उर्दू का एक ट्रांसलेटर रखकर देखते हैं कि इसने क्या बोला आज, ये शेरवानी आज क्या बात की। आप बोलेंगे तो कुछ नहीं, और जब हम उसका जवाब देंगे तो आपके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चीजें हैं जिसका आपको ख्याल और लिहाज रखना है। आप बताइए, इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर रिजर्वेशन दे दिया गया, और हमको महाराष्ट्र में, हम भी बैकवर्ड हैं, पूरे मुसलमान नहीं, जो 50 कास्ट है मुसलमानों में, कास्ट रियलिटी है, आप उनको नहीं देते, मराठाओं को देते हैं। हम मराठाओं से ज्यादा गुर्बत हमारे पास है। मराठों के हर चीफ मिनिस्टर बना, हमारे पास एक अब्दुल रहमान अंतोले बने थे, हर चीज उनके पास, मगर हमको रिजर्वेशन नहीं मिलता। ये कौन सी इंसाफ की बात है बताओ आप? और कोई नहीं बात करेगा मेरे भाई। और जो लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं ना, उनको एक बार पूछो कि तबरेज को क्यों मारा गया था, और तबरेज को जब मारा जा रहा था, जब तबरेज को पीटा जा रहा था, तबरेज जब तक अपना नाम सोनू बोला कुछ नहीं हुआ, जैसा उसने तबरेज कहा उसको खूब मारा, और तबरेज को लेकर गए अस्पताल, लेकर नहीं गए, मैं तबरेज की बेवा से, यही पूना का था ना तबरेज तुम्हारा, वेल्डिंग की का काम करता था तबरेज, और कोई आवाज नहीं है उसकी मेरे भाई। इसको इतना मारा गया कि सर पर उसकी खोपड़ी में 3 फ्रैक्चर थे, और जब तबरेज की बीवी जो बेवा हो चुकी है मेरे से मिलने रांची में आई, तो अल्लाह जानता कि मेरे अल्फाज, मेरी जबान नहीं खुल रही थी। मेरे भाई, ये कांग्रेस जिसने पार्लियामेंट में यूएपीए बिल की तायीद की, मैं और इम्तियाज मुखालिफत किए, और उसी मनहूस कानून में 8-8 साल से बच्चे जेलों में पड़े हुए हैं, जेएम रोड के बच्चे पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं, केस ही नहीं चलता। बताओ आप, अगर मैं इतनी बातें करूंगा तो शायद सुबह हो जाएगी। भीमा कोरेगांव में जिन लोगों को जेल में डाला गया, यहां की पुलिस ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर को मारने का काम किया, मगर कोर्ट में इस डॉक्यूमेंट्स में कोई जिक्र नहीं है। क्यों? यूएपीए का कानून लगा दिए। अब 8 साल 9 साल जेल में रहो और सड़ो, उसके बाद निकलो। तो कश्मीर का एक बच्चा राजस्थान की जेल से निकला, और जेल से निकलकर जब कश्मीर गया तो अपनी मां की खबर पर लेट कर रो रहा था कि मां, अब तू मेरे इस्तकबाल करने के लिए मेरे घर में नहीं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ये रात बड़ी अंधेरी होने वाली है, ये लंबी अंधेरी रात है, याद रखो तुम, और तुम अकेले हो, और अकेले अगर तुमको मुकाबला करना है तो फिर अपने आप को एक सियासी कुव्वत बनाओ, अपने वोट का इस्तेमाल करो,
इस अंधेरी रात में इंशाअल्लाह तआला मजलिस इस अंधेरी रात को चीर कर इंशाअल्लाह इस सरजमीन पर एक दोबारा जमहूरियत को मजबूत करेगी, इस मुल्क को फैसिज्म से बनने से रोकेगी। आइए मिलकर अपने 21 तारीख को निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए, जमहूरियत को कामयाब करिए। शुक्रिया। खुदा खुदा।